आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज पर। और आपके गृह ग्राम गौरी में जो राम कथा का आयोजन आपके माध्यम से किया जा रहा है, तो उस कथा के आयोजन के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। राम कथा का आयोजन 12 मार्च से 20 मार्च तक सियाराम कुटीर में किया गया है, जिसमें जगत गुरु परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से कथा का रसपान हुआ। और ये 8 दिवसीय चलने वाली कथा है, और इसके समापन के अवसर पर देश के प्रख्यात गायक अनूप जलोटा जी के द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। कैसी चल रही हैं तैयारियां इस आयोजन को लेकर? अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही हैं, सारा कुछ राम जी की कृपा से अब तैयारियां पूर्ण होने पे हैं। और क्या विशेष रहेगा इस राम कथा की अगर हम बात करें? अब जहाँ राम है वहाँ राम तो खुद ही विशेष है, तो राम को अलग से विशेष कथा, वो तो कथा विशेष ही। आयोजन को लेकर के जो आमंत्रण निमंत्रणों की बात है, राम कथा तो एक ऐसी कथा है जहाँ पर किसी आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर हर राम भक्त पहुँचता है। लेकिन आपके माध्यम से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं इसके प्रचार प्रसार? नहीं, व्यवहारिकता में आपने जो कहा कि राम कथा तो अपने आप में विशेष है और उसमें आमंत्रण की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम सबका एक परंपरा है, सदाचार है, संस्कृति है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा तो उसमें अपने लोग को आमंत्रित किया जाता है, और आमंत्रण तमाम माध्यमों से किया जा रहा है। और इस आयोजन को लेकर के क्या अपेक्षाएं? कुछ अपेक्षाएं, भगवान ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही अपेक्षा। और अधिक से अधिक लोगों को राम कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त हो सके। इतने बड़े जगत गुरु आ रहे हैं, राम कथा करना या भगवत कथा करना या कोई भी ऐसी धार्मिक कथाओं का आयोजन करना किसी भी व्यक्ति के लिए सौभाग्यशाली क्षण होता है। आपको ईश्वर के द्वारा इस कार्य के लिए एक माध्यम के तौर पर चुना गया है, इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग और स्नेह आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से ही ये आयोजन हो रहा है, और ये सबसे बेहतर सुचारू ढंग से ऊपर वाले की कृपा से संपन्न। पूर्व में कुछ कथाओं को लेकर के, कुछ संतों को लेकर के विवाद की स्थितियां भी बनी, तो उन विवादों को लेकर के भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोई विवाद नहीं, जो ईश्वरीय क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें क्या विवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।